नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक शोल्डर आयरन बना के दिखाऊंगा जो कि बहुत ही चीप रेट में एक कील की मदद से बन सकता है। ये एक चोबा है। इसके बाद हमको कुछ और बेसिक सी चीज़ चाहिए, आप कहीं से भी ले सकते हो। जैसे एक ये लकड़ी का टुकड़ा हो गया, आप इसे कहीं से भी काट सकते हो किसी पेड़ से अच्छी तरीके से। तो ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और एक चोबा है। इसके बाद हमको क्या चाहिए, आप सोच रहे होंगे नाइक्रोम वायर। तो नाइक्रोम वायर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे पास काफ़ी टाइप के नाइक्रोम वायर हैं, आपको दिखा दूँ। ये है एक, तो ये मैंने प्रेस से निकाला है, इसकी वीडियो आपको शो हो रही होगी, आप प्रेस से भी निकाल सकते हो। और काफ़ी टाइप के हैं मेरे पास। एक ये फ्रेंड्स, ये हीटर का होता है, जो हीटर वाला है, आप इसे भी ले सकते हो। और काफ़ी टाइप के हैं मेरे पास, तो लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा सिंपल सा बना के दिखाऊँगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर जो है ये बर्तन साफ़ करने का जूना भी ले सकते हो, जिससे आप अपने घर के बर्तन साफ़ करते हो, आपकी मम्मी वगैरह साफ़ करती। और ये भी नाइक्रोम वायर का वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसको जला के। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से जल गया। ये छोटा लिया है तो ये एक सेकंड में, हाथ मेरे हाथ जल गए इससे। तो ये एक सेकेंड में जल के राख हो गया। आपको काफ़ी लंबा लेना है तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो मैं किसी का भी यूज़ कर लेना आप, मैंने आपको इतने सारे बता दिए हैं। और कुछ शोल्डर आयरन से भी निकाला है, जैसे ये पुराने शोल्डर आयरन को तोड़ के, ये होता है जो पुराना शोल्डर आयरन का एलिमेंट, इसको तोड़ के इससे निकाला है। ये भी नाइक्रोम का वायर काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी पतला है। तो आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी। तो इसे बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसे बनाने के लिए आपको इस तरीके का एक लकड़ी का टुकड़ा और एक चोबा चाहिए। और सबसे पहले इसको इसके अंदर आपको ठोक लेना है, बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। इसको आपको इसके अंदर ठोकना है, ध्यान रहे कि ये फट ना जाए, आपकी लकड़ी है ये फट जाएगी अगर आप इसको ज़्यादा ठोकोगे। तो आपको इसके अंदर या तो होल कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ड्रिल हो तो काफ़ी अच्छी बात है। इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर लेना है और होल कर लेना है इस तरीके से। ड्रिल है नहीं फिलहाल मेरे पास, तो मैं इसमें होल करके इसको फंसा लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको मजबूती के साथ ठोक दिया है, और आपको इसको मजबूती के ही साथ ठोकना है, ढीला वगैरह नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी ढीला नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी तरीके से ठुक गया है। अब इसके अंदर ये जो है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आपको इसको कट कर लेना है। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो लोहे का है, इससे सोल्डिंग नहीं होगी। मैं आपको एक बात बता दूं नॉलेज के लिए, कि आप लोहे के जैसे भी आपने जितने भी देखे होंगे या कहीं वीडियो वगैरह में, तो लोहे से फ्रेंड्स सोल्डिंग नहीं होती, इस पर शोल्डर चिपकता नहीं है, केवल कॉपर की बिट होनी चाहिए। तो मैं आपको इस पर कॉपर भी लगा के दिखाऊंगा, कॉपर की बिट बहुत ही ईजीली। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको इसको कट करने के बाद तोड़ देना है यहाँ पे। और ये अपना कुछ कुछ शोल्डर आयरन सा दिखने लग गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह का एक यहाँ पे ये चाहिए आपको। ये होता है वायर कनेक्टर के लिए यूज में होता है, आप इसको फैन से निकाल सकते हो, जो फैन का होता है, जब ये फैन में लगा मिल जाएगा आपको। आप या तो अपनी समरसेबल भी निकाल सकते हो, जो समरसेबल का स्टार्टर होता है उसके नीचे लगे होते हैं कनेक्शन के वायर, और जो आपकी फिटने की गारंटी है वो आपकी होगी, क्योंकि इससे आपका समरसेबल का स्टार्टर खराब हो सकता है, तो आपके इससे पिटाई भी हो सकती है, लेकिन वो गारंटी आपकी रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप फैन से या समरसेबल के स्टार्टर से निकाल सकते हो। निकालने के बाद ये इस तरीके से कस लेना है, जैसे मैं आपको दिखाया कस के। उसके बाद आपको लेनी है एक कॉपर की कील। ये कॉपर की कील है, आपको दिखा दूं, ये कॉपर की कील है, आपको दिखा दूं, ये अच्छी सी। और ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये मिल जाएगी आपको पुराने शोल्डर आयरन की जो बिट होती है उससे, ये बिट होती है इस शोल्डर आयरन की, और ये घिसके छोटी होगी है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ले सकते हो, और ये आपको फ्री में मिल जाएगी। मेरे को तो उसने फ्री में दे दी। या आप कोई कॉपर का मोटा वायर भी ले सकते हो, मोटा वायर है नहीं इस लॉकडाउन में, मेरे को मिला नहीं। और ये इसके अंदर अच्छी तरीके से फिट हो रही है, देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे ये बिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसकी हम बिट भी चेंज कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से फिट करने के बाद ये होती है हीट सिंक ट्यूब, ये ले लेनी है आपको। और ये 2 रुपए की मिल जाएगी एक हीट सिंक ट्यूब, ट्रांसफार्मर वाले की शॉप पर। और इसको ले कर आपको इस पर चढ़ा देना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इसके ऊपर चढ़ा लेना है, और इसकी साइज़ की कट कर लेनी है आपको। ये इस तरीके से कट कर लिया, और इसको इसके ऊपर चढ़ा के आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से, और फिलहाल के लिए एलपी डाल देनी है। आप सोच रहे होंगे एलपी तो जल जाएगी, तो जब तक एलपी जलेगी तब तक ये अच्छी तरीके से इस पर सेट हो चुका होगा, तो एलपी से ये फ़ायदा होगा।
कि ये फिलहाल नहीं उतरेगी। इसके बाद क्या करना है आपको, कॉपर के वायर लेने, इस तरीके का कॉपर का वायर लेना एक वायर, और इसकी जो कोटिंग होती है आपको इसको उतार लेना है। यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से अच्छी तरह रेगमाल से इसको घिस लेना है। आपके पास ये ना हो तो आप सादा भी वायर लेके उससे उसको छील के उसके अंदर से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इससे मैं इसकी जो इंसुलेटर लेयर है इसको हटा लूँगा। इस तरह हटने के बाद फ्रेंड्स इसको आपको अच्छी तरीके से इस तरह डबल कर लेना है, जिससे कि एक मोटा मजबूत वायर बन जाए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। इसमें मैं आपको हर ट्रिक बता के चल रहा हूँ। तो इस तरीके से लेना है आपको, और अच्छी तरीके से इस पर बांध देना है आगे की साइड पहले। यहाँ पे आपको इस तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, और इसके बाद पतली वाली फाइबर ट्यूब लेनी है ये वाली, और इसको इसके साइज़ का काट लेना है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो। मैं इस चैनल पर डेली इसी तरह की टेक्निकल यूजफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे मैं इस हीट सिंक ट्यूब को डाल लूँगा जल्दी से, और मैं यहाँ पे नाइक्रोम वायर ले लाऊँ जो प्रेस से निकाला था। इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लो। तो मैंने ये 10 सेंटीमीटर ले लिया है, और 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं कट कर लूँगा, थोड़ा ज़्यादा 10 सेंटीमीटर से, जिससे कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। और इसको यहाँ पे ये जो यहाँ पे पहला वाला पेच है, इस पे एक अंटा लगा के इस तरीके से बांध देना है। यहाँ पे इसी में मैं इसका जो नेगेटिव होता है, ग्राउंड होता है, इसी में दे दूंगा, क्योंकि इसे मैं 12 वोल्टेज से चलाऊंगा, तो इसके अंदर करंट भी आता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सप्लाई भी आती रहेगी, तो यहाँ पे ये इजीली बन जाएगा। यहाँ पे दो वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह मैं इसे घुमा के इस पे पूरे को लपेट दूंगा, और इस तरीके से यहाँ पे मैं इसके साथ इसको बांध दूंगा। अच्छी तरीके से बांधना है आपको, और ये खुले नहीं, फिलहाल के लिए एलपी डाल देनी है। बाद में ये एलपी जल जाएगी, लेकिन जब तक ये सेट हो जाएगा इस पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा सा कैसे इसको गर्म कर देगा, तो फ्रेंड्स बिल्कुल कर देगा, क्योंकि हमने इसकी बिट पे ही इसको लपेटा है। और यहाँ पे लपेटने के बाद इसको आपको कनेक्शन करके और इसको चला के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसको बांध लेता हूँ मैं जगह जगह, और दूसरा वायर भी मैं इसी तरीके से बांध दूंगा। इसके बाद मैंने इस तरीके से एक और वायर लिया है, उसको भी इंसुलेशन हटा के फाइबर स्ट्रिप डाल के, और यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा जो ए पॉइंट कनेक्ट है अपना नाइक्रोम वायर का, वहाँ पे अच्छी तरीके से। और इनको अच्छी तरीके से बांधना है, और हैवी वायर लेना है, और यहाँ पे भी इसको मैं बेंड कर दूंगा इसी के साथ। तो ये हो गए अपने दोनों वायर जो कि 12 वोल्टेज से चलेंगे। आप यहाँ पे 7 वोल्टेज का भी यूज कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा नाइक्रोम का वायर होता है, और ये खुले नहीं और थोड़ा अच्छा दिखे, तो मैं इसको इस तरीके से बांध लूँगा जिससे ये अच्छा दिखे। इसको थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए मैं जो इसकी ये फाइबर स्लीव हैं इनको इस पर इस तरीके से चिपका दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स सफाई भी किसी चीज़ की होती है, अगर आप किसी को सफाई से करोगे तो थोड़ा अच्छा भी दिखेगा और काम करने में मज़ा भी आएगा। तो इस तरीके से, और यहाँ पे अपनी जो है 12 वोल्टेज की वायर हैं ये दोनों, इसको आपको इस तरीके की कोई भी वायर लेना है, ये मैंने वायर ले ली, और इसमें कनेक्ट करके और टेप लगा देना है आपको, यहाँ पे फ्रेंड्स कनेक्ट कर देना है। और फ्रेंड्स आपके रिलेटेड आपके माइंड में इससे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरे से फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप के जरिए जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंकों के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हो। मैंने वहाँ पे सभी का लिंक दे दिया है, आप मेरे पे वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हो या कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है इस वीडियो को शेयर भी कर देना है सभी ग्रुपों में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जा रही है और काफ़ी यूजफुल वीडियो है। तो और इस तरीके से मैंने ये बांध दिया है यहाँ पे, और आपको इसे भी चाहो तो एलपी की मदद से लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ, पीवीसी टेप होती है जो अपनी ये वाली, इसको ये है तो बहुत कम, शायद इससे मेरा काम नहीं हो। और आपको एकदम अच्छी तरीके से बनाना है इसको सफाई से, जिससे देखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैं इनको कवर कर दूंगा और अपनी टेप को ख़त्म कर लूँगा, यहाँ पे मेरी टेप ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारा ये छोटा सा शोल्डर आयरन बनके बिल्कुल कंप्लीट है, और यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया है। और अब इसे करेंगे हम टेस्ट, बिल्कुल आपके सामने लाइव प्रूफ होगा टेस्ट इसका। तो ये मेरे पास एक बैटरी है जो कि 12 वोल्टेज की है, और ये मैंने खुद ही बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ अपने जो शोल्डर आयरन को, और आपको दिखाता हूँ इसे चला के।
तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इससे धुआं निकलने लग गया, यहाँ पे ये ऑन हो गया आप देख सकते हो। और अपनी लाइट है जो इनको बंद कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये इससे धुआं आ रहा है और इसको गर्म होने देते हैं। और काफ़ी बुरी बदबू आ रही है क्योंकि हमने इस पर LP डाल दी थी। तो यहाँ पे मैं इसे 12 वोल्टेज से लगा देता हूँ, तो तेज़ तेज़ इससे धुआं आने लग गया, कितनी तेज़ आप देख सकते हो। और ये काफ़ी तेज़ी से गर्म होने लग गया। यहाँ पे इसको निकलने दें धुआं को, और इस धुएँ को बिल्कुल सूंघे नहीं, बिल्कुल आपके सामने लाइव है, आपको लाइट बंद करके दिखा दूँ मैं अपनी, ये देखिए, और अंधेरा कर दूँ इसके नीचे, तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरे में कितना इससे लाल हो रहा है एकदम, कितना अच्छा वर्क कर रहा है ये। और यहाँ पे मैं इससे सोल्डिंग करके दिखा दूँगा आपको, ये मैंने लाइट जला ली और बिल्कुल एक भी बार वीडियो पुश नहीं हुई, तो यहाँ पे इससे आपको सोल्डिंग करके दिखा दूँ, ये अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम गर्म है। और इससे सोल्डर पिघला के दिखा दूँगा आपको, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये सोल्डर पिघला रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। आप इसे बिल्कुल अपने यूज के लिए बना सकते हो, कॉमर्शियल ऑफिशियल यूज के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से सोल्डर पिघला रहा है, यहाँ पे आपको दिखा दूँ। और फ्रेंड्स ये बहुत ही यूजफुल वीडियो, बहुत ही मेहनत लगी है इसे बनाने में, तो चलिए इसे और सोल्डिंग करके देखते हैं PCB वगैरह पे। तो बिल्कुल आपके सामने लाइव है, और आपको इससे एक कैपेसिटर को निकाल के दिखा दूँ, ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जैसे इसको हमने बाजार से खरीदा घर में ही। तो ये देखिए कितनी इजीली इससे निकाल दिया, आपको इसे वायर भी सोल्ड करके दिखा दूँ, क्योंकि इसकी जो बिट है ना वो हमने सोल्डर आयरन की यूज़ की है, तो कितना अच्छा इससे वर्क हो रहा है, ये देखिए लगाते ही इसने पिघला दिया, तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आपको यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स ये। तो आप इसको बिल्कुल घर पर बना सकते हो, ये बार बार हट जा रहा है, रुक जाओ, तो ये एकदम अच्छी तरीके से इस पर फिट हो गया, आप देख लो यहाँ पे कितनी टाइट तेज़ी से इसको मैं खींच रहा हूँ, ये नहीं उखड़ रहा। और एक दो और कंपोनेंट इससे रिमूव करके दिखा दूँ इसी बोर्ड से, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ये, तो ये देखिए ये भी निकल आया कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।